ये तो हम करते हैं कि फला काम में मसरूफ होने की वजह से नमाज छूट गई, इस काम की वजह से नमाज डिले हो गई, इस काम की वजह से नमाज में गफलत हो गई, क्या करूं मेरे जॉब ऐसा है इसलिए नमाज नहीं पढ़ पाता, क्या करूं मेरा कारोबार ऐसा है कि नमाज टाइम पर नहीं हो पाती। हम नमाज को अपनी दुनियावी कामकाज की बुनियाद पर डिले करते हैं, नमाज को अपनी दुनियावी मसलहतों की बुनियाद पर डिले करते हैं। इसकी मिसालें सुबह शाम हमारी और आपकी जिंदगियों के अंदर पाई जाती है, लेकिन कितनी बार हमने नमाज के लिए अपनी दुनिया को डिले किया है, नमाज को पाबंदी के साथ जमात के साथ पढ़ने के लिए अपनी ऑफिस लेट कितनी मरतबा खोला है, अपनी ट्रेन कितनी मरतबा छोड़ी है, अपने बसों को कितनी मरतबा छोड़ा है, अपने किसी दुनियावी मफाद को किसी काम को हमने कम नुकसान पहुंचाया है इसलिए कि नमाज को टाइम पर पढ़ना था। नमाज को हमने अव्वलियत दी, नमाज कायम की, अगर कायम करेंगे तो नमाज कायम होगी, और जब नमाज कायम करने का फैसला करेंगे तो हमें अपनी दुनियावी मसलहतें, अपने कामकाज और अपनी जरूरियात और अपने अपनी जिंदगी के जो तकाजे हैं उसे डिले करना पड़ेगा। तो नमाज के लिए काम को डिले करने का मसला तो गलती से भी हमारी जिंदगी में नहीं आता, नादिर कोई होगा अल्लाह का बंदा, बिला शुबा अल्लाह ताला के बंदे ऐसे नहीं, दुनिया खाली नहीं है अल्लाह के नेक बंदों से, ऐसी इस्तिस्ना करना जरूरी है, इल्ला माशाल्लाह इल्ला मन रहिम अल्लाह। लेकिन आमतौर पर हालत क्या मेरे भाइयों, हम नमाज को अपने काम के लिए डिले करते हैं, अपनी जॉब के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी अपने सर्कल अपनी सर्विस के लिए हम नमाज को डिले करते हैं, लेकिन नमाज की वजह से अपना कोई काम डिले नहीं करते। यानी मुतासिर होता है तो कौन होता है, अल्लाह की इबादत मुतासिर होती, नमाज डिले होती है। आप